हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके रिव्यू चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का जीके रिव्यू चैनल पर स्वागत है। सो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स कि कैसे किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो कैसे आसानी से हम उसके आंसर्स निकाल पाएंगे और भी कई वैदिक मैथ्स के ट्रिक्स है वो डिस्कस करने वाले हैं। और इससे प्रीवियस सेशन के अंदर मैंने आपको डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट के मल्टीप्लिकेशन की शॉर्ट ट्रिक बताई थी। सो रिविजन के लिए कुछ क्वेश्चन आज भी डिस्कस करेंगे ताकि आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाए, और सेशन को एंड तक देखेगा ताकि कोई डाउट जनरेट ना हो। अगर डाउट आते हैं रिगार्डिंग एनीथिंग यू कैन कमेंट मी बिलो, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल टिल नाउ सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो यू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स व्हाइल प्रेसिंग द बेल आइकन बटन। क्लियर है? आपके एग्जाम नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट्स, एग्जाम वैकेंसीज, एग्जाम कट ऑफ, ये सब जानने के लिए बेल आइकन बटन जाके दबा दीजिए और उस पर ऑल का ऑप्शन आता है, ऑल कर दीजिए ताकि सारे के सारे अपडेट्स नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो बिना देरी किए चलते हैं सेशन की ओर और लेते हैं कुछ ट्रिक्स। जैसे एक मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि हमारे पास कोई नंबर है जिसकी एंड डिजिट 5 है, अगर उसका स्क्वायर करना है, जैसे हमारे पास है 105 है, इसका स्क्वायर करना है, इसकी एंड डिजिट 5 है, इसको मैंने क्या बताया था आपको कि क्या करना है, 105 मल्टीप्लाई बाय 105 करना है। इस 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 5 जा 25। क्लियर है? और दोनों में से किसी एक नंबर को सेलेक्ट करके उसमें से उस नंबर को प्लस 1 से इंक्रीज कर दीजिए। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 + 1 = 11। क्लियर है? अब ये हमारे पास नंबर बन गया 11। सो 11 को क्या कर दीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 × 10 = 110। इज दैट क्लियर? ये मैंने आपको बताई थी कि हमारे पास कोई भी नंबर है अगर उसकी जो लास्ट डिजिट है वो 5 है, अगर उसका स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे पास है 75 × 75 का स्क्वायर करना है, तो फटाक से कर सकते हैं, 5 × 5 = 25, इस 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25। क्लियर है? इसमें से एक बढ़ा दिया तो 7 का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 × 7 = 56, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5625। इज दैट क्लियर? आइए चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर। एक आपके पास ऐसा नंबर आते हैं 16 को मल्टीप्लाई करना है 18, मतलब 16 है। क्लियर है? 16 में क्या, 2 गैप के बाद 18 आ रहा है। क्लियर है? मतलब 16 के बाद 17 यहां पे क्या ओमिट हो गया, उसके बाद 18 नंबर आ रहा है। 16 में 2 का डिफरेंस आके दूसरा नंबर आ रहा है। इसको मल्टीप्लीकेशन की शॉर्ट ट्रिक क्या है, इन दोनों के बीच में जो नंबर बीच में आएगा, जैसे 16 और 18 के बीच में 17 बीच में आ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, 17 का स्क्वायर कर दीजिए और ये घटा दीजिए, 17² = 289 - 1 = 288। सिंपल है? अच्छा, ये चीज हुई कैसे, ध्यान से देखिएगा। सोलह को लिख सकता हूं मैं 17 - 1, और 18 का लिख सकता हूं मैं 17 + 1। अगर आपको याद होगा तो ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई है, ये a - b और ये a + b। सो a - b एंड a + b इज a² - b², ये हमारे पास क्या है, 17 है, 17 का स्क्वायर 289, b हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर 1, सो 289 - 1 = 288। इज दैट क्लियर? ये हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी का। दो जोड़ दो 117 बराबर, इसके बीच में क्या आ रहा है, अच्छा ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 116। सो इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर कर सकते हैं अपन, लेकिन थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको,
क्लियर है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे ये ले लीजिए 24 मल्टीप्लाई बाय 26, तो 24 और 26, 24 में 2 जोड़ा 26 आया, और 24 और 26 के बीच के डिजिट क्या है 25 है। क्या करना है, जो बीच वाला नंबर होता है उसका क्या करेंगे, स्क्वायर माइनस 1, 625 माइनस 1 कितना आ जाएगा 624 इज योर आंसर। क्लियर है, 624 इज योर आंसर। क्योंकि आप क्या 24 को क्या लिख सकते हो 25 माइनस 1, और 26 को क्या लिख सकते हो 25 प्लस 1, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो ये शॉर्ट कट भी याद रहेगी आपको, क्लियर है। अच्छा अब 11 को मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई करने की शॉर्ट कट देखते हैं। किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे मेरे पास है 35 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो ध्यान से देखिएगा कैसे स्टेप फॉलो करता है। सबसे पहले जो लास्ट डिजिट है उसको एज इट इज लिखना है, फर्स्ट स्टेप ये रहा लास्ट डिजिट को एज इट इज, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होगा हमारे पास, ये जो हमारे पास 3 और 5 का एडिशन, तो 5 और 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 8, और थर्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली जो फर्स्ट वाली डिजिट है उसको एज इट इज, तो थर्ड के अंदर हमारे पास आंसर आ जाएगा 381। क्लियर है, 385 आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा। एक दो और एग्जांपल करते हैं ताकि और भी क्लियर होगा। हमारे पास क्वेश्चन है जैसे 999 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, क्लियर है। फर्स्ट स्टेप 9 एज इट इज, सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा इन दोनों को जोड़ना है, 9 और 9 क्या हो जाएगा 18, अच्छा ये 18 का 8 इधर, एक चली जाएगी कैरी, कैरी किस तरफ जाएगी। अब ये दो नंबर ले लिया, थर्ड स्टेप क्या लेंगे, ये दो नंबर का एडिशन, तो 9 और 9 18 और एक कैरी ऑलरेडी पड़ी है, तो 18 प्लस 1 19, तो एक कैरी और जाएगी, एक कैरी अब किस पे जाएगी, अब जो लास्ट डिजिट रहेगा इसके ऊपर एक कैरी आएगी, इसके ऊपर एक कैरी आएगी, तो 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10, तो आंसर क्या आ जाएगा 10989। क्लियर, एक क्वेश्चन और करो ताकि समझ में आएगा आपको। अगर आपको जैसे ये है, इसको एक और शॉर्ट ट्रिक से अपन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1000 माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 11 बराबर, ये मेरे पास क्या हो जाएगा 11000, और इसमें से क्या घटाना है 11 घटाना है, क्लियर है। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 1 गया 8, फिर आ जाएगा हमारे पास 0, नहीं फिर आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा 10, 1098। इज दैट क्लियर, समझ में आया आपको, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें से ये कटा था, सो 10989 इज योर करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसी का एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और डाउट क्लियर होंगे। ले लीजिए, मल्टीप्लाई करना है 11 से, फर्स्ट है ये 6 एज इट इज, फिर क्या लेंगे 9 6 15, 15 का 5 इधर और एक कैरी चला जाएगा इस तरह, क्लियर है। 9 10 11 11 और 1 12,
दो इस तरफ, एक इस तरफ कैरी, बराबर। अब इस और इस पेयर को लेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये भूल जाना, ये पिछले पिछले नंबर की कैरी थी जो अपन ने काउंट कर ली, 9, 10, 11, 11 और 1, 12, वापिस इस तरफ, फिर ये 9 और 9, 18, ये भूल जाना क्या, कंफ्यूज मत हो, 9 और 9, 18 और एक कैरी 19 और एक कैरी, अब ये तो पुरानी थी ठीक है, अब ये वापस एक कैरी इस पे लग जाएगी, 9 और 1 क्या आ जाएगा 10, 109 2256 इज योर करेक्ट आंसर, क्लियर है। सो ये हमारे पास पूरा प्रोसीजर चलेगा, पर्टिकुलर जो डिजिट्स को कैसे आपको लेना है, सबसे पहले लास्ट डिजिट, फिर डबल के पेयर, फिर वापस डबल के पेयर, फिर इसके डबल के पेयर, फिर डबल के पेयर, फिर लास्ट में क्या सिंगल डिजिट है उसमें जो भी कैरी आएगी उसमें ऐड करके आंसर देना है। सो दिस इज द आंसर। सो 11 से करके बता दिया मैंने आपको, करस्पॉन्डिंग जैसे 2 का डिफरेंस था डिजिट्स के अंदर, उसका मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दिया आपको। आइए चलते हैं अब डबल और ट्रिपल डिजिट के मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा रिविजन करा देता हूँ मैं आपको। स्क्वायरिंग करना बता दी मैंने आपको कि हमारे पास अगर कोई नंबर है जिसके एंड में 5 आ रहा है उसका स्क्वायर करना है, तो बता दिया मैंने आपको। लंबा प्रोसीजर है तो प्रोसेस तो वही है, सेम है, अपन को क्या करना है, 3 × 3 = 3 लिख दिया। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली डिजिट है, सो ये वाली डिजिट किससे, 6 × 2 = 12, मतलब ये डिजिट इससे और ये डिजिट इससे, सॉरी यहां पे 3 × 3 आ जाएगा हमारे पास। अब ये डिजिट आ जाएगी इससे मल्टीप्लाई और ये डिजिट आ जाएगी इससे मल्टीप्लाई, क्लियर है। 6 × 3 = 18 और 2 × 2 = 2, तो 20 आ गया हमारे पास, 0 इधर, 2 कैरी, बराबर है। अब क्या करना, 6 × 12 और 12 + 2 = 14, तो 1403 इज योर करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। (89 × 91) बराबर है, इसको इससे 9 × 9। अब जो याद रखना है, जिसमें आप ज्यादातर कंफ्यूज हो गए, उसको ऐसे याद रखना है, अगर इसकी मैंने फर्स्ट, ये डबल डिजिट है हमारे पास 91, अगर इसकी फर्स्ट ली है तो इसकी क्या लेंगे, लास्ट, और अगर इसकी लास्ट ली है तो उसकी क्या लेंगे, फर्स्ट, बराबर। 9 × 9 = 81 एंड 8 × 8 दैट इज 89, बराबर है, 9 इस तरफ और 8 कैरी। लास्ट में क्या करना है, इसकी फर्स्ट डिजिट और इसकी फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लीकेशन, बस इतना सा ध्यान रखना आपको। इसकी फर्स्ट डिजिट इसकी 8 × 9 = 72 एंड 72 + 8 = 80, सो द आंसर इज 8099। इज दैट क्लियर, आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, 8099। अब एक 3 डिजिट वाला क्वेश्चन करते हैं। थ्री डिजिट है जैसे हमारे पास 3 × 23 मल्टीप्लाई करना है 5 × 87 से, बराबर, इसको इससे, 7 × 3 = 21, 1 इधर, 2 कैरी। नेक्स्ट क्या लेना पेयर हमारे पास, नेक्स्ट लेना है हमारे पास 23 और 87, पहले तो इसको इससे, फिर ये दो लास्ट के पेयर, ये दो लास्ट के पेयर 23 को मल्टीप्लाई करना 87 से, कैसे करेंगे, अगर ये फर्स्ट है तो इसकी ये लास्ट हो जाएगी 8 × 3 = 24 एंड 2 × 7 = 14, 24 है इस और 14 को ऐड कर दीजिए, 8 × 3 = 24 7 × 14, ये क्या 4 × 4 = 8 2 × 3 = 38, 38 × 2 = 40, 40 इतना आएगा, तो 0 तो मेरे पास आंसर की तरफ और 4 कैरी। इज दैट क्लियर, अब नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, 3 डिजिट ऑपरेशन। 3 डिजिट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, ये वाला इससे, फर्स्ट किससे आ जाएगा, लास्ट से,
बीच वाला बीच से और लास्ट वाला फर्स्ट से। तो देख लीजिए, 3 7 21, 8 2 16 एंड 5 3 15, 15 और 16 31, 31 और 31 हमारे पास आ जाएगा 52। इज दैट क्लियर? 52 आ जाएगा, लेकिन 52 और 4 कैरी भी करो तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 56। क्लियर है? छप्पन आ जाएगा, तो 6 इस तरफ 5 कैरी, बराबर है। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, थोड़ा सा ध्यान से जो प्रोसीजर्स है उसे एक बार अच्छे से देख लीजिए और फॉलो कीजिए, ताकि एक बार आपके माइंड के अंदर सेट हो जाएगा, फिर दिक्कत नहीं होगी आपको। एक बार जो स्टेप्स है वो आपके अंदर बैठ जाएंगे दिमाग में, फिर गलती नहीं करोगे। क्लियर? नेक्स्ट क्या करते हैं अपन, ये दोनों और इन दोनों का पेयर, तो फटाफट कर लीजिए, क्या आ जाएगा? 32 मल्टीप्लाई बाय 58, ये फर्स्ट और ये लास्ट, 5 3 10, ये फर्स्ट और ये लास्ट, 3 24, 24 प्लस 10 इज 34, 34 प्लस 5 इज 39, तो 9 इस तरफ 3 कैरी, बराबर। और लास्ट टाइप आप सभी को पता है कि जो नंबर की जो फर्स्ट डिजिट है उसको फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना, बस ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी आपको इतनी जरूरत नहीं है। फटाफट अगर आपकी कैलकुलेशंस अच्छी है तो आप माइंड के अंदर भी कर सकते हैं। तो 3 5 15, 15 प्लस 3 इज 18, सो द आंसर इज 189601। इज दैट क्लियर? तो आपका आंसर आ जाएगा 189601 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? एक हमारे जो प्रीवियस सेशन के अंदर मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो एडिशन सब्ट्रैक्शन वो सिखाया था आपको, शायद उसके अंदर मैंने एक ही क्वेश्चन कराया है, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं कि कैसे हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसे सॉल्व करेंगे। जैसा क्वेश्चन है हमारे पास 18 3/4 प्लस 21 1/6 प्लस 29 1/2 प्लस 32 1/8, बराबर। क्लियर? तो इसको कैसे सॉल्व करना है हमारे पास ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, 18 से 3/4 प्लस 21 से 1/6 प्लस 29 से 1/2, ये 29 है, कंफ्यूज मत हो जाना, 29 से 1/2 प्लस 32 से 1/8। मैंने आपको क्या कह रखा है, जो हमारे पास फ्रैक्शन है उससे पहले हमारे पास जो इंटीजर्स आ रहे हैं इनको जोड़ दीजिए, यूनिट डिजिट वाला मेथड लगाते हैं। 2 और 9 11, 11 और 1 12, 12 और 8 20, 0 इधर, 2 कैरी, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 और 1 10, बराबर है? क्लियर है? आगे चलते हैं। अभी हम क्या करें, यहाँ पे प्लस ले लेंगे और ये जो हमारे पास जो फ्रैक्शन है इनको ले लेंगे, 3/4 प्लस 1/6 प्लस 1/2 प्लस 1/8, ऐसे हम ले लीजिए, क्या लोगे? 16, 6 से जाएगा नहीं, 24, 24 ले लें, क्लियर है? तो 24 ले लेते, 4 6 24 6 3 18, 18 इधर आ गए, यहाँ पे 6 4 24, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 4, 2 12 24, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 12, 8 6 24, यहाँ पे आ जाएगा 3, बराबर है? इनको सॉल्व कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, इस तरफ कर देता हूं, 100 प्लस, बराबर है? तो कितना आ जाएगा, 18 और 4 22, 22 और 3 हमारे पास क्या आ जाएंगे, 25, 25 और 12, 25 और 10 35, 35 2 37, मतलब 37/24। अच्छा हमारे पास अब आंसर आया 100 प्लस 37/24। अच्छा ध्यान से देखिएगा, हम क्या देखो, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो एक बार तो डिवाइड हो ही जाएगा, क्लियर है? एक बार तो हो गई होगा, उसके बाद जो उसके बाद नहीं हो पाया तो उसके बाद वो रिमाइंडर बच जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी एक बार तो हो जाएगा, फिर हमारे पास जो रिमाइंडर आ जाएगा कितना कितना आ जाएगा रिमाइंडर, 13/24, इसको आप करोगे तो मेरे पास आ जाएगा 101 प्लस
13/24 बराबर है। तो फाइनली आपका आंसर ऐसे आ जाएगा, कैसे 101 से 13/24 बराबर है। सो इस चीज का ध्यान रखिएगा, अगर डिविजिबल हो जाता है, जैसे हमने देखा कि एक बार तो जाएगा ही जाएगा कम से कम, तो एक बार उसको साइड में ले लिया, 110 ले लिया 24 को, तो जो रिमाइंडर आ गया उसको लिख दिया और बटा 24 ले रहे, क्योंकि आप इसको अगर ऐड करोगे तो अभी भी यही बनेगा 24 + 13 आपके पास क्या आ जाएगा 37 / 24 एक ही बात है, क्लियर है। सो एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस सेशन का, अब अपन सब्ट्रैक्शन भी डाल देते हैं। और वजह से 24 1/7 - 14 6/7 + 12 1/2 - 5 3/4 + 32 1/8 - 16 3/8 क्या कह रखा है, सबसे पहले इंटीजर्स को सॉल्व करेंगे, जहां पे प्लस है वहां प्लस, जहां माइनस हो रहा है वहां माइनस, इनको सॉल्व करेंगे बराबर है। अच्छा 24 - 14 = 10 10 + 12 मेरे पास 22 22 - 5 कितना आ जाएगा हमारे पास 17 और ये देखो 17 ये प्लस का 32 माइनस का 16 तो मेरे पास प्लस का 16 तो मेरे पास क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा बराबर है। 17 + 16 = 33 तो टोटल मेरे पास आंसर आ जाएगा क्या 33। अच्छा 33 तो आ गया, अब यहां प्लस, अब फ्रैक्शन वाली बारी आती, 1/7 माइनस का 6/7 बराबर प्लस 1/2 माइनस का 3/4 प्लस 1/8 एंड माइनस का 3/8 बराबर। सो आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं और आप इंडिविजुअली इनको सॉल्व भी कर सकते हैं, इनका एलसीएम दे सकते हैं। जैसे 1/8 - 3/8 तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस का 2/8 जो भी क्या आता है माइनस का 1/4 तो इसको 1/4 लिख सकता हूं मैं बराबर है माइनस का। अगर इसको और सॉल्व करोगे तो माइनस का 3/4 माइनस का 1/4 तो क्या आ जाएगा माइनस का 4/4 तो माइनस का 1 इधर आ जाएगा आपके पास माइनस का 1 बराबर। और इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 5/7 ये आ गया आपके पास माइनस का 5/7 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का हाफ प्लस का आधा तो माइनस का आधा आ जाएगा बराबर। अगर इसका आप एलसीएम लोगे या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो एज यू विश, कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और फिर जो भी सॉल्व करके तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 14 आ जाएगा, कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप एज यू विश। इसको करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस का 10 और माइनस का 7 बटा मेरे पास कितना आ जाएगा 14 क्लियर है। तो फाइनली मेरे पास इधर देखिएगा ये 33 प्लस मेरे पास आया माइनस का 17/14 बराबर, इसको लिख सकता हूँ 33 - 17/14 बराबर है। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे भी कर सकते 33 × 14 - 17/4 ऐसे भी कर सकते हैं बराबर है। सो आज के सेशन को यहाँ पर ही समाप्त करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सेशन। अगर कुछ भी डाउट आता है रिगार्डिंग दिस एक्सरसाइज तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स
और लाइक करना ना भूलिए इस वीडियो को. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे.